पहले चरण के लिए उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर बुधवार को नामांकन खत्म होने के बाद अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने चिट्ठी जारी कर अपने खामोशी तोड़ी है और पीलीभीत की जनता के नाम अपनी चिट्ठी में वरुण गांधी ने इशारों इशारों में यह भी बता दिया है कि उनका टिकट आखिर किस लिए काटा गया। वरुण गांधी ने कहा कि पीलीभीत से उनका रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं होगा और वो जनता की आवाज उठाते रहेंगे। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने चुनावी रण से दूरी बना ली। नामांकन की तारीख समाप्त होते ही वरुण ने पीलीभीत की जनता के नाम एक इमोशनल लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने पीलीभीत से टिकट कटने की वजह भी बता दी। पीलीभीत के लोगों को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा है कि पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं होगा, मैं आपका था, हूँ और रहूंगा। आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन ये धरती, उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता है। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर ही सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुणा भाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका था, हूँ और रहूंगा। वरुण गांधी ने चिट्ठी में जिस कीमत चुकाने का जिक्र किया है, वो 28 साल पहले प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी से सीधे तौर पर जुड़ रही है। 20 नवंबर 2021 को वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया था। इसके अलावा उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी तत्काल फैसला लेने के लिए कहा था, ताकि आंदोलनरत किसान अपने घरों को वापस लौट सके। वरुण गांधी ने किसान आंदोलन में मारे गए सभी 700 किसानों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की थी। वरुण गांधी की इस चिट्ठी में वही मांगे थी जो विपक्ष के नेता और किसान आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारी कर रहे थे। यही वजह थी कि वरुण गांधी की चिट्ठी के बाद न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व बल्कि केंद्र सरकार के साथ उनका टकराव बढ़ गया था। चिट्ठी के अलावा वो सोशल मीडिया पर भी केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह बीजेपी ने यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा था कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन वरुण गांधी ने खुद को चुनाव से दूर कर लिया। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।